आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड जिसका नाम है साथी हाथ बटाना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी चारों मेम साहब तैयार हैं और उनके साथी जो उनका साथ दे रहे हैं वो भी आ गए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले शुभांगी जी से कि शुभांगी जी आप परिचय दीजिए, जो आपके साथ आए हैं वो कौन है? ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या शुभ नाम हुआ इनका? पंकज कुमार गिरी। पंकज जी आपको शुभकामनाएं, आपका स्वागत है बिग मेम साहब सीजन 8 के मंच पे। मधु जी ये मेरे पति हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ यादव। तो सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सुनील जी ये मेरे पति हैं, इनका नाम दिलीप कुमार है। बहुत खुशी हुई है दिलीप साहब आपसे मिलके, बहुत बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा है। पूजा जी आपके साथ कौन आई है? हमारे साथ हमारी सिस्टर है। सिस्टर है, क्या शुभ नाम हुआ इनका? अंजलि पंडित। अंजलि जी, अंजलि जी वेलकम। तो चारों मेम साहब तैयार हैं और चारों साथी तैयार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये दो बकेट हैं, एक बकेट में बलून्स हैं, एक बकेट खाली है और एक अलग टाइप का चप्पल यहाँ पे जो जोड़ी लगा हुआ है। करना ये है कि आप दोनों को यहाँ आना है और इस चप्पल के अंदर अपने पैर को घुसा कर खड़े रहना है। मेम साहब जो है वो यहाँ से बलून उठाएंगी और आप दोनों को बैलेंस करना है। दोनों पार्टनर्स की बैलेंसिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो तालमेल पैरों के होना चाहिए और साथ में उठा के ऐसे जाना है और फिर वो जब ये होगा तो आपको पीछे रखना है बलून। फिर जो हमारे भाई साहब होंगे वो उसे उठा के इसके अंदर खाली बकेट में उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप समझ गए हैं, एक मिनट के अंदर जो साथी मेम साहब सबसे ज़्यादा बलून को वहाँ पहुँचा देंगे वो बन जाएंगी इस गेम की विजेता और उन्हें मिलेगा ये एयर ब्लोअर। तो तैयार हैं सभी लोग? तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा शुभांगी जी को और उनके हस्बैंड को। आइए। आप दोनों का समय शुरू होता है, आप स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस, कोऑर्डिनेट करिए, जाइए आराम आराम से। वेरी गुड, वेरी नाइस, वाह, इसे कहते हैं करेक्ट बैलेंस। बहुत शानदार, बहुत उमदा, वेरी नाइस, वेरी क्लीन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए, जल्दी, 10 सेकंड है। वेरी गुड, वेरी गुड, इसे डाल दीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पहुँच जाइए क्योंकि आप नहीं जा पाएंगे।